अरे आसानी से नहीं मिलता है ये शोहरत का जाम, आसानी से नहीं मिलता है ये शोहरत का जाम। काबिलियत ये तारीफ होने के लिए, वाकिफ ये तकलीफें झेलना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज फिर से आपके लिए एक केस स्टडी लेके आया हूँ जो कि आपके नॉलेज में बहुत ही हेल्पफुल होगा। एक सैमसंग का बोर्ड है जिसके अंदर सैमसंग J610, सैमसंग J7 प्राइम ये मोबाइल जो है उसके अंदर ग्राफिक का इश्यू है, डिस्प्ले पे ग्राफिक नहीं आ रही है। जब मोबाइल हम ऑन करते हैं तो डिस्प्ले पे लाइट आ रही है लेकिन डिस्प्ले पे कोई ग्राफिक नहीं आ रहा है। तो इस सॉल्यूशन को इस मोबाइल में मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की बताने की कोशिश की है, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर आपको वीडियो वाकई ही हेल्पफुल हुआ तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले इन फ्यूचर में जो भी कोई सॉल्यूशन है वो आप तक मिलते रहिए। दोस्तों मैं दूसरी एक बात कहना चाहता हूँ कि एक अंडे को अगर बाहर की ताकत से तोड़ दिया जाता है तो एक जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन वही अंडा अंदरूनी ताकत से अगर टूटता है तो एक जिंदगी जन्म लेती है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बाहर कहीं सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश मत करिए, अपने अंदर जो पड़ा हुआ टेक्नीशियन है उसको तोड़ के बाहर आइए, निकलिए, अपने आप को संवरिए, अपने आप से एक अच्छा टेक्नीशियन बने, एक स्कीमेटिकों की नॉलेज लीजिए। मार्केट के अंदर कुछ भी कहीं भी कुछ नहीं है। जब तक आप सीखना नहीं चाहते, जब तक आप नॉलेज लेना नहीं चाहते, दुनिया का कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो आपको नॉलेज देके इस तरह से कोई सिखा सकता है। इसलिए मैं आपको एक ही बात करता हूँ कि शॉर्टकट बाजी में मत भागिए, अच्छे से एक नॉलेज लीजिए, प्रॉपर बेच के समझिए, थ्योरी को मान दीजिए, एक एक चीज छोटी छोटी चीजों को समझिए। देखिए स्केमेटिक डायग्राम को समझने के बाद आप रिपेयरिंग करोगे तो बोर्ड आपसे बातें करने लगेगा, बोर्ड से आप खेलते खेलते एक अच्छे से रिपेयर करोगे। इसलिए प्रॉपर बेस पे ट्रेनिंग लेके अच्छे से सीखिए, समझिए। और कम से कम हम कोई एक बोर्ड को रिपेयर ना कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का बोर्ड तो बिगाड़े नहीं, इतना तो काबिलियत हमारे अंदर होना ही चाहिए। तो तुक्काबाजी, जुगाड़बाजी, शॉर्टबाजी में मत सीखिए, आप प्रॉपर बेस के ट्रेनिंग लीजिए। अगर आप इस मोबाइल फील्ड में है और आप मोबाइल रिपेयरिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हो समझ के, तो आप मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा दो टाइप से कोर्स चल रहा है, ऑनलाइन जो मैं आपको घर बैठे ही लाइव क्लास लेते हुए पढ़ा सकता हूँ, और ऑफलाइन आप इधर भी आके कर सकते हो। अभी फिलहाल लॉकडाउन के हिसाब से ये यहाँ का जो ऑफलाइन क्लास है वो बंद है, सिर्फ ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है। अगर आज मार्केट के अंदर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हो और आपको सीखना है तो आप अपने घर बैठे ही ट्रेनिंग ले सकते हो। मैं आपको स्केमेटिकों की नॉलेज आपको चाहिए तो मैं बहुत ही अच्छे से एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए आपको डिटेल में बता सकता हूँ। अपने घर बैठिए ही, अपने आप को सेफ रखिए ही ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेसिंग सिखा सकता हूँ, स्केमेटिक डायग्रामों की अंडरस्टैंडिंग, जो आईसीओ के अंदर जो फंक्शन होते हैं, जो सिनारियो होता है कि किस तरह से आईसीओ काम करती है और कोई भी फॉल्ट को आपने कितने स्टेप से आप रिपेयर कर सकते हो, कितना उसके अंदर जाके आप सोच सकते हो, ये सारी चीज़ें के बारे में बहुत ही डिटेल में अगर आपको समझना है तो मेरे से कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो, आप ऑनलाइन घर बैठे भी सीख सकते हो। तो चलिए हम ज़्यादा बात ना करके ये वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो एक कमेंट जरूर करिएगा, और ये वीडियो लंबी जरूर है लेकिन नॉलेजेबल है, इसलिए पूरी देखिए और समझिए। बाकी आपको सीखना है तो आप कभी भी मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बस चलिए हम ये वीडियो को समझ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे पास अभी एक सैमसंग J610 का आज एक स्टडी केस आया है जिसके अंदर प्रॉब्लम है डिस्प्ले का। मोबाइल को ऑन करने से डिस्प्ले पे लाइट आ रही है लेकिन डिस्प्ले पे ग्राफिक नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक किया जाता है और उसका बेस क्या है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर आज हम डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। इसके लिए इसको हम डीसी मशीन से कनेक्ट करके पहले बोर्ड में देख लेते हैं कि एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम
क्या है देखिए, मैंने अभी इसमें डिस्प्ले लगाई हुई है और बोर्ड को उसकी बॉडी से अलग कर दिया है। हम इस तरह से इसमें ये ग्राउंड दे देते हैं। देखिए ये मैंने अभी सप्लाई दे दी है। अब हम पावर स्विच प्रेस करके मोबाइल को ऑन करेंगे और देखेंगे कि क्या इश्यू है। ये पावर स्विच प्रेस किया, देखिए ये मोबाइल पे डिस्प्ले पे लाइट आ गई है। ये आप देख सकते हो बैकग्राउंड में लाइट आ रही है, लेकिन मोबाइल फिर भी ऑन हो रहा है, लेकिन ग्राफिक नहीं दिखाई दे रहा है। देख सकते हो बैकलाइट सर्किट अभी सही से काम कर रही है, लेकिन डार्क लाइट आ रही है, उसमें मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में इसमें क्या इश्यू हो सकता है, इसके डिटेल में एक बार हम समझ लेते हैं। तो इसमें जब मेरे पास ये बोर्ड आया था, तब जब मैंने इसमें ट्रेस किया और मेरे सामने जब प्रॉब्लम आया था, ये इसका एलसीडी है, मैंने अलग कर दिया, ये अब हमारा बोर्ड है। जब मेरे पास ये बोर्ड आया था और बैकलाइट्स उसका सही था, बस ग्राफिक के लिए ही आया था, ग्राफिक नहीं कर रहा था। तो उसके अंदर जब मैंने ट्रेस किया और उसके अंदर जो फॉल्ट सामने फाइंड हुआ, ये मैं आपके सामने यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या इश्यू है और किस तरह से ऐसे फॉल्ट जब आपके सामने आए तो उसको रिपेयर किया जाता है, समझ के कैसे काम करना होता है। ये सारी चीज़ उसमें बहुत डिटेल में मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ से मैंने ये प्लेट को उठाया हुआ है, देखा जाए तो ये हमारा डिस्प्ले बैकलाइट सर्किट और डिस्प्ले ड्राइवर सर्किट है, जो हमारी एलसीडी है। ये एलसीडी कनेक्टर, उस पर एक सप्लाई होनी चाहिए 1.8 नेगेटिव हाई वोल्टेज, पॉजिटिव हाई वोल्टेज, तो और बूस्ट वोल्टेज जो बैकलाइट सर्किट का। तो ये एक इन्वर्टर सर्किट है, बूस्ट कन्वर्टर सर्किट, जो मल्टी बूस्ट कन्वर्टर सर्किट इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिस्प्ले ग्राफिक और डिस्प्ले लाइट दोनों का बूस्टिंग का जो काम है, ये एक ही आईसी से करवाया जा रहा है। तो चलिए पहले हम उसका पूरा ओवरव्यू समझ लेते हैं, इसलिए मैं पहले उसको ड्रॉ करके पहले आपको समझाना चाहता हूँ कि इसके अंदर कौन सी पिन, कितने पिन वाली आईसी है, कौन सी पिन क्या काम कर रही है, और हमारा जो एलसीडी कनेक्टर है उसमें कौन सी पिन पे कितना वोल्टेज आना चाहिए और ये वोल्टेज कब आना चाहिए। तो वो उसके बारे में पहले हम एक बार इसकी डिटेल समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम पहले इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो तो ये देखिए, अभी मैंने ये जो सर्किट है बोर्ड हमारा पूरा इन्वर्टर सर्किट, जो बूस्टिंग सर्किट है, पूरा मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। अब मैं आपको एक बार पूरा अच्छे से समझा देता हूँ कि ये सर्किट कैसे काम करती है। सबसे पहले तो इसमें जो एक आईसी यूज की गई है, इस आईसी यहाँ आप देख सकते हो, ये आईसी, ये टोटल 30 पिन वाली एक आईसी है जो बीजीए टाइप की है। इस आईसी का नंबर है ISL 98611, ये यहाँ देख रहे हो, ये इसका नंबर है, इस नंबर की ये आईसी है। इस आईसी टोटल 30 पिन वाली आईसी है और ये आईसी एक ही आईसी के अंदर तीन अलग अलग बूस्ट कन्वर्टर है, मतलब कि ये आईसी तीन अलग अलग रेगुलेटर वोल्टेज बनाती है, जो कि इनपुट से आउटपुट वोल्टेज बनाया जाता है, जो कि एक पूरी इन्वर्टर सर्किट है। तो मल्टी इन्वर्टर सर्किट भी हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर देखा जाए तो तीन अलग अलग बूस्टिंग सर्किट है। सबसे पहले तो ये जो हमारा एलसीडी कनेक्टर है, डिस्प्ले कनेक्टर में ग्राफिक के लिए जो कुछ
बूस्ट वोल्टेज चाहिए, VSN और VSP जो बूस्ट सप्लाई होती है, जो इनपुट से आउटपुट ज्यादा होती है, तो ये सप्लाई इस आईसी से ही बना के दी जाती है। और साथ साथ आपका बेकलाइट सर्किट के 20 वोल्टेज समथिंग जो चाहिए वो भी इस आईसी से ही बनाया जाता है। तो ये हमारा जो इन्वर्टर सर्किट है, जो मल्टी इन्वर्टर सर्किट है, दो बूस्ट कोयल के सपोर्ट लेके ये इसको स्विचिंग करके बनाया जाता है। और इस साइड हमारा LCD कनेक्टर है। इसमें LCD कनेक्टर को देखा जाए तो टोटल इसमें 34 पिन वाला LCD कनेक्टर है जो आप यहाँ देख सकते हो। इसका काउंट इस तरह से किया जाता है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, इसका 3 नंबर, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे करके अगर काउंट करोगे तो इधर लास्ट का पिन 33 होगा और इधर का लास्ट का पिन 34 होगा। मतलब 34 पिन वाला एक LCD कनेक्टर ये आप देख सकते हो। यहाँ 1 नंबर, इधर 2 नंबर, इधर 3, 4, ऐसे काउंट करके जाओगे तो लास्ट में यहाँ आपका जो आएगा वो 33 नंबर का पिन आएगा और यहाँ आपका 34 नंबर का पिन आ जाएगा। तो इस तरह से है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी ग्राफिक के बारे में। तो इसको ग्राफिक बनाने के लिए कभी भी इस तरह से आपके पास जब कोई बोर्ड आए तो आपको जब बेकलाइट सर्किट काम कर रही होती है, जब उसमें लाइट आ रही होती है, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि इसमें AMOLED नहीं है। AMOLED का बेस थोड़ा अलग होता है। कभी ऐसा अगर मेरे पास प्रॉब्लम आएगा तो उसके बारे में भी मैं इस तरह से डिटेल में आगे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी ये TFT डिस्प्ले है तो TFT डिस्प्ले के बारे में हम अच्छे से समझते हैं। तो इस डिस्प्ले में ग्राफिक बनने के लिए इसमें 3 प्राइमरी सप्लाई है, जो कि वो सप्लाई कंपलसरी आना जरूरी है। जब भी ऐसे कभी प्रॉब्लम आए कि डिस्प्ले पे बेकलाइट सर्किट काम कर रही होती है लेकिन ग्राफिक नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले तो हमें इसका जो मेन रिक्वायरमेंट है सप्लाई से, वही हमें उसको ओके करना पड़ेगा। तो इसका रिक्वायरमेंट जो है वो इसके अंदर 3 सप्लाई है ग्राफिक बनने के लिए। अभी लाइट तो आ रहा है, ग्राफिक बनने के लिए 3 सप्लाई है। 3 में से सबसे पहले उसमें 1.8 वोल्टेज जो IO सप्लाई है, जो हमारी PMIC से पावर ऑन करके ऑलवेज सप्लाई होती है। ये कंटिन्यू पावर स्विच जब तक ऑन रहता है तब तक ये सप्लाई इसकी 19 नंबर की पिन पे LCD कनेक्टर में अगर काउंट करोगे, यहाँ से मैंने आपको बताया कि 1, 2, 3 इस तरह से यहाँ 19 नंबर की जो पिन होगी, ये पिन है, उसमें 1.8 वोल्टेज स्टेबल वोल्टेज वहाँ दिया जाएगा। जब आप पावर स्विच प्रेस ऑन करोगे तब ये सप्लाई उसमें वहाँ दी जाएगी। उसके बाद जब 1.8 वोल्टेज की सप्लाई इसको मिल रही होती है, उसके बाद 2 और सप्लाई की भी जरूरत पड़ती है। और वो 2 सप्लाई बनने के लिए इस डिस्प्ले कनेक्टर पे हम जब चेक करेंगे तो इसमें 21 नंबर और 22 नंबर, मतलब 19 नंबर के बाद जो 21 नंबर और 22 नंबर उसकी बगल बगल वाली ही 2 पिन है, वहां जब आप वोल्टेज चेक करोगे तो आपको एक पे, जैसे 21 नंबर की पिन पे यहाँ आप देख सकते हो VSP मतलब पॉजिटिव 5 वोल्टेज की सप्लाई है डिस्प्ले ग्राफिक बनने के लिए, जो कि हमारी IC है, जो ये IC टोटल 20-30 पिन वाली है, उसमें से E5 नंबर की पिन है वो VSP पॉजिटिव 5 वोल्टेज सप्लाई आउटपुट करके LCD कनेक्टर की 21 नंबर की पिन पे ये सप्लाई दी जाती है। दूसरा सप्लाई है उसकी 23 नंबर की पिन पे, जो कि 23 नंबर की पिन पे सप्लाई इस IC के A4 और B4 ये 2 पिन को मिला के वहां से ये सप्लाई VSN जो नेगेटिव 5 वोल्टेज की सप्लाई होती है, ये सप्लाई यहां से हमारी LCD कनेक्टर की 23 नंबर की पिन पे दी जाती है। तो ग्राफिक बनने के लिए 3 पिनों पे ये 3 सप्लाई बननी कंपलसरी है। पहली सप्लाई जो है 1.8 वोल्टेज की, जो 1.8 वोल्टेज की सप्लाई मैंने 19 नंबर की पिन के बारे में बात किया, उसके बाद पिन नंबर 21 नंबर पे VSP जो पॉजिटिव 5 वोल्टेज है, और पिन नंबर 23 पे जो पिन वोल्टेज आना चाहिए VSN नेगेटिव 5 वोल्टेज आना चाहिए, और ये वोल्टेज ये ICO से बन के आ रहा है। और इसके अंदर और भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस IC में जो बेकलाइट सर्किट है, कभी ऐसा आपको प्रॉब्लम आया कि ग्राफिक ओके बेकलाइट सर्किट का प्रॉब्लम है, तो इस IC की 31 नंबर की जो पिन है वो हमारी LCD डिस्प्ले की LED एनोड की 20 वोल्टेज पॉजिटिव इनपुट पिन है, जो कि ये सप्लाई हमारी A1 IC की A1 की पिन से आ रहा है। और ये सप्लाई बनने के लिए A1 पे जो बूस्ट वोल्टेज बनने के लिए इसकी A2 नंबर की पिन पे VPH में पावर, मतलब बैटरी की सप्लाई में एक 10 माइक्रो हेनरी का एक क्वाइल यूज किया गया है,
और वो कॉयल यूज करने के बाद ये 2 नंबर की पिन पे ये वोल्टेज दिया है। इस आईसी के अंदर ही डायोड मर्ज किया हुआ है और स्विचिंग आईसी के अंदर ही हो रही है। सीधा इसका A1 नंबर की पिन से आउटपुट बूस्ट वोल्टेज पावर ऑन करने के बाद मिलेगा और ये वोल्टेज यहाँ से एक फिल्टर कैपेसिटर और ये फिल्टर कैपेसिटर में से होते हुए एक नॉर्मल कॉयल है, वहां से एक दूसरा फिल्टर कैपेसिटर से होते हुए इसकी 31 नंबर की पिन पे ये सप्लाई इनपुट हो रही है। लेकिन 31 नंबर की पिन पे जो 20 वोल्टेज हमें बन रहा है, ये वोल्टेज बनने के लिए एक तो मैंने आपको बताया कि ये बूस्ट कॉयल किसे उसको स्विचिंग वोल्टेज करवा के ये किया जाता है, तो एक तो ये वो सप्लाई VPHV पावर बूस्ट कॉयल के माध्यम से मिलना चाहिए। दूसरा इस आईसी की E1 नंबर की जो पिन है वो उसकी मेन पॉजिटिव सप्लाई पिन है, वहां भी हमारी ये पॉजिटिव सप्लाई पिन आनी चाहिए, मतलब वोल्टेज मिलना चाहिए VPHV पावर मतलब बैटरी जितना। साथ साथ इस आईसी को EN मिलना चाहिए और ये जो EN जो मिल रहा है वो CPU से मिल रहा है। CPU की इसके अंदर अगर देखा जाए तो CPU में आपको ये C4 नंबर की पिन LCD कनेक्टर की C4 नंबर की पिन पे EN LED यहाँ 1.8 वोल्टेज की सप्लाई CPU से जब मिलेगी उसके बाद इसका स्विचिंग सर्किट काम करेगा। जब उसका इनपुट होगा तब जाके आपको यहाँ से आउटपुट करके ये वोल्टेज बनेगा। तो ये वोल्टेज तो आपको बन ही रहा होगा क्योंकि उसमें अभी ऑलरेडी लाइट बैकलाइट सर्किट तो काम कर रही है। तो ये तो मैंने आपको बैकलाइट सर्किट का अभी इस तरह से ओवरव्यू बताया कि ऐसे काम करता है। अगर नेगेटिव हाई और पॉजिटिव हाई वोल्टेज बनने के लिए इसमें क्या जरूरत है, नेगेटिव और पॉजिटिव हाई वोल्टेज बनने के लिए सबसे पहले VPHV पावर की सप्लाई इसकी E1 नंबर की पिन पे इनपुट होनी चाहिए। उसके बाद एक इसमें भी बूस्ट कॉयल का यूज किया गया है, ये बूस्ट कॉयल जो है 2.2 माइक्रो हेनरी का कॉयल है L7002। ये कॉयल से होते हुए ये लाइन हमारी E4 नंबर की पिन पे दिया जाता है स्विचिंग के लिए। जब E4 नंबर की पिन पे स्विचिंग के लिए वोल्टेज दिया जाता है उसके बाद इस आईसी के अंदर इसको इनेबल, यहाँ ENN और ENP दो टाइप की इनेबल दी गई है, जिसमें यहाँ D4 नंबर की पिन पे ENN करके दिया है, मतलब नेगेटिव सप्लाई नेगेटिव 5 वोल्टेज बनने के लिए EN दिया गया है। और यहाँ E4 नंबर की पिन पे जो EN दिया गया है CPU से, ये हमारी पॉजिटिव 5 वोल्टेज बनने के लिए है। जब EN ना मिलता हो ये तो हमारा नेगेटिव 5 वोल्टेज नहीं बनेगा और ये EN ना मिले तो हमारा पॉजिटिव 5 वोल्टेज नहीं बनेगा। तो ये दोनों EN दोनों अलग अलग सप्लाई बनने के लिए ये जरूरी है जो CPU से डायरेक्ट दिया जाता है। साथ साथ इसके अंदर एक बूस्ट स्ट्रेप कैपेसिटर भी यूज किया जाता है जो A5 और C5 के बीच में कैपेसिटर लगा दिया जाता है। इस स्विचिंग पीरियड में ये फिल्टर बूस्ट स्ट्रेप कैपेसिटर इसको बोला जाता है, इसके माध्यम से हमारा नेगेटिव सप्लाई को आउटपुट बूस्ट सप्लाई बनाया जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये कैपेसिटर भी कंपलसरी सही होना जरूरी है। तो बाद में जब VPHV पावर की सप्लाई इसको इनपुट मिल जाए, CPU से उसको ट्रिगर मिले और उसके बाद ये आईसी अगर सही रही तो स्विचिंग करके इसकी B4 और A4 से आउटपुट आपको VSN नेगेटिव 5 वोल्टेज मिलेगा, जो कि हमारे डिस्प्ले कनेक्टर की पिन नंबर आपको 23 नंबर की पिन पे मिलेगा और एक E5 नंबर की पिन पे पॉजिटिव 5 वोल्टेज स्विचिंग करके आउटपुट मिलेगा, जिसके अंदर ये 3 कैपेसिटर फिल्टर करके ये हमारी 21 नंबर की पिन पे मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं कि इसके अंदर डिस्प्ले बैकलाइट सर्किट का वर्क करना और ग्राफिक वर्क नहीं करना तो क्या रीजन हो सकता है, कौन सी सप्लाई इसमें सही आ रही है, कौन सी सप्लाई में प्रॉब्लम है। तो चलिए हम एक बार इसका स्टेप बाय स्टेप सब सप्लाई चेक कर लेते हैं इसकी LCD कनेक्टर से। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ग्राफिक बनने के लिए इसकी LCD कनेक्टर पे एक 1.8 वोल्टेज आना चाहिए जो उसकी 19 नंबर की पिन पे है, जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद वो पावर आईसी से आता है, उसके बाद उसकी 21 नंबर के पिन पे पॉजिटिव 5 वोल्टेज VSP आना चाहिए, उसके बाद उसकी 23 नंबर की पिन पे नेगेटिव 5 वोल्टेज VSN मिलना चाहिए। इतनी कंपलसरी इतनी चीजें पहले सप्लाई की ओर से ग्राफिक को ओके होनी चाहिए, उसके बाद ही हम आगे के कोई सिग्नल और ट्रिगर के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए हम एक बार वो ट्रेस कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन सी सप्लाई बन रही है कौन सी सप्लाई नहीं बन रही है। तो चलिए हम एक बार इस बोर्ड का जो कुल टेस्टिंग है वो कर लेते हैं। जब मैंने इस मोबाइल के अंदर चेक किया कि डिस्प्ले पे ग्राफिक नहीं आ रहा है, तो उसके लिए
मैंने सबसे पहले LCD कनेक्टर है उसकी जो सप्लाई है उस सब सप्लाईओं पे कूल टेस्टिंग किया, जैसे कि अभी मैं आपको करके बताता हूँ। और मेरे जो सामने फॉल्ट आया वो मैं आपको यहाँ आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जब मैंने कूल टेस्टिंग किया वो इस तरह से किया कि जब भी आपके पास कभी डिस्प्ले में ग्राफिक का इश्यू आए तो LCD कनेक्टर की जो सप्लाई है उसको आपको पहले ओके करना पड़ता है, जिसमें ये डिस्प्ले कनेक्टर है, ये आप देख सकते हो, इसमें ये इसका एक नंबर का पिन है, ये इसका दो नंबर का पिन है। ऐसे यहाँ देखें तो ये इसका 33 नंबर का पिन होता है, ये इसका 34 नंबर का पिन होता है। तो 33 नंबर का पिन जो है, ये पिन, इस पिन के बगल में जो 31 नंबर है वो हमारा डिस्प्ले LED का एनोड है, जो पॉजिटिव वोल्टेज, जो कि इसमें तो डिस्प्ले वर्क कर रही है, इसलिए ये जो बड़ी सी प्रिंट आपको नज़र आ रही है ये वोल्टेज तो हमारा आता ही होगा क्योंकि डिस्प्ले पे लाइट आ रही है। उसके बगल में दो जो प्रिंट आपको दिखाई दे रहा है ये 29 नंबर, ये इसका 29 नंबर और 27 नंबर का पिन है, जो कि ये पिन पे LCD का कैथोड है। उसके बाद 25 मतलब 25 नंबर का पिन NC रहता है। उसके बाद ये दो बड़ी सी जो प्रिंट आपको नज़र आ रही है इधर, ये इसका VSN एंड VSP मतलब नेगेटिव 5 और पॉजिटिव 5 वोल्टेज है, जो कि उसका 23 नंबर और 21 नंबर है। इसके बाद ये पिन जो आपको नज़र आ रही है 19 नंबर, ये वाली 19 नंबर की पिन है। 19 नंबर की पिन पे हमें 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए बोर्ड एक्टिव के दौरान। तो ये तीनों पिन पे हम एक बार कूल टेस्टिंग करते हैं। ये तीनों बगल बगल है, 29 नंबर, 23 नंबर और 21 नंबर की पिन पे, और वो कूल टेस्टिंग में क्या आता है देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए हमें मल्टीमीटर को हमारी रीडिंग मोड में हमें सेट करना है। देखिए ये डायोड बजर मोड में मैंने मल्टीमीटर को सेट कर दिया है। उसके बाद कूल टेस्टिंग में जैसे आपको पता ही है कि मल्टीमीटर का जो रेड प्रोड है वो कहीं हमें ग्राउंड पे टच करना है, जो कि मैंने अभी ये ग्राउंड कर दिया है, और उसका ब्लैक प्रोड है वहाँ से हम कूल टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले उसकी 19 नंबर की पिन जो है उस पर कूल टेस्टिंग करते हैं क्या आ रहा है। देखिए ये जो पिन है उसका 19 नंबर का पिन है, ये वाला, वहाँ कितना रीडिंग आ रहा है देखिए, करीब करीब 527 जितना ये रीडिंग शो कर रहा है, ये आप देख सकते हो ये रीडिंग आ रहा है, तो उसका रीडिंग सही है। उसके बाद VSN जो लाइन है उस पर रीडिंग चेक करते हैं, जो कि इसका 21 नंबर का पिन है, ये वाला जो पिन है इसका 21 नंबर पे है, 629 जितना रीडिंग इधर आ रहा है, 29 नंबर की पिन पे 629 जितना रीडिंग आप देख सकते हो। उसके बाद VSN जो उसकी 23 नंबर की पिन है उस पे रखते हैं, ये 23 नंबर की पिन पे देखिए यहाँ 00 रीडिंग शो कर रहा है, जबकि यहाँ भी आपको 600 के करीबन ये रीडिंग आना चाहिए। ये देखिए 23 नंबर की पिन पे जो VSN नेगेटिव 5 वोल्टेज की सप्लाई, यहाँ जैसे ही मल्टीमीटर का प्रोब टच करते हैं ये ग्राउंड आ रहा है देखिए। तो इसका जो फॉल्ट है वो मैंने पहले ही फाइंड किया हुआ था कि इसका जो VSN लाइन है जो कि उसका 23 नंबर का पिन वो शॉर्ट बता रहा है, मतलब इसके अंदर नेगेटिव 5 वोल्टेज की सप्लाई नहीं बन रही है। और जब नेगेटिव 5 वोल्टेज की सप्लाई नहीं बन रही है तो इस साइड में आपको बता देता हूँ, ये साइड इसका डिस्प्ले बैकलाइट सर्किट है जो मैंने आपको पूरा समझाया था, ये है, इसके अंदर देखा जाए तो ये हमारा लाइट IC है, ये इसका नंबर देख सकते हो, और इस जगह पे डॉट दिया है उसका मतलब यहाँ से उसका A1 स्टार्ट होता है।
तो हमने अभी डायग्राम में देखा था कि इसका जो A1 नंबर पिन है वो उसका बूस्ट वोल्टेज आउटपुट पिन है। तो यहाँ ये कैपेसिटर आपको मिला जो दिखाई दे रहा है, ये कैपेसिटर हमारा बूस्ट वोल्टेज आउटपुट, यहाँ हमें 20 वोल्टेज समथिंग बूस्टिंग वोल्टेज मिलेगा। और ये हमारा बूस्ट कोयल है जो लाइट से बेक लाइट सर्किट के लिए, इसमें डायोड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, डायोड इसके इस आईसी के इंटरनल ही है जो मैंने आपको बताया था। और ये दूसरा बूस्ट कोयल है जो नेगेटिव 5 और पॉजिटिव 5 वोल्टेज के लिए है। अब हमारा जो पॉजिटिव 5 वोल्टेज आउटपुट हो रहा है ये फिल्टर कैपेसिटर पे आ जाता है। ये जो है इसमें तीन कैपेसिटर, 1, 2 और 3 कैपेसिटर पे हमें मिलेगा। और हमारा जो नेगेटिव सप्लाई है, ये जो बड़ा सा 2 कैपेसिटर है यहाँ मिलेगा, इसमें भी 4 कैपेसिटर है, 1, 2, 3 और 4। तो ये कैपेसिटर पे कुल टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि यहाँ की कंडीशन क्या है। तो इधर रीडिंग चेक करने के लिए फिर से हमारा जो रेड प्रोड है वो कहीं ग्राउंड पे रख देते हैं, ये इसका ग्राउंड है, वहाँ रख दिया इस तरह से, और उसके ब्लैक प्रोड से कुल टेस्टिंग करते हैं। देखिए इसमें कुल टेस्टिंग किया जाए तो इसका ये पॉजिटिव सप्लाई के लिए ये कैपेसिटर है, ये सब कैपेसिटर जहाँ हम रीडिंग देख सकते हैं कि रीडिंग कितना रहा है, 628 आया है जो कि वो आ रहा था। उसके बाद ये 2 बड़े कैपेसिटर है, नेगेटिव सप्लाई के फिल्टर है, इस पर देखते हैं तो ये 0 आ रहा है। देखिए उसका मतलब कि हमारा जो नेगेटिव लाइन शॉर्ट आ रहा है उसमें 4 कैपेसिटर है, 1, 2, 3 और 4, ये चारों में से कोई एक शॉर्ट हो सकता है या हो सकता है कि हमारी आईसी शॉर्ट हो सकती है। इसके लिए हम देखते हैं कि इसको कैसे शॉर्टिंग हटा सकते हैं। तो चलिए हम एक बार वो देख लेते हैं कि इसमें जो नेगेटिव लाइन शॉर्ट है वो हमें कैसे फाइंड करना है। नेगेटिव लाइन को फाइंड करने के लिए कि यहाँ जो 4 कैपेसिटर है उसमें से कौन सा शॉर्ट है, पहले हम ये रोजिन का स्मोक उधर लगा देंगे। तो ये जो कंपोनेंट है देखिए, अभी मैंने रोजिन का स्मोक लगा दिया है। अब हम क्या करते हैं, डीसी मशीन को 4 वोल्टेज की रेंज में सेट करते हैं और इस तरह से ट्वीज़र पे ये लगा के ब्लैक प्रोड को कहीं ग्राउंड कर देते हैं, जैसे कि इसके नेगेटिव कॉन्टेक्ट पे ही रख देते हैं इसे। और बाद में आपको ये जो कैपेसिटर है वहाँ इस पर टच करना है, शॉर्ट के वाला कैपेसिटर पे। देखिए इसके अंदर आईसी है वो पिघल गई, जैसे ही मैंने इस पे कैपेसिटर पे टच किया वैसे ही तुरंत आईसी है वो पिघल गई। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो आईसी है वही शॉर्ट है। तो चलिए हम एक बार इसका आईसी को रिमूव करके उसको चेंज करके देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी इसके अंदर जो आईसी है मैंने अभी ये न्यू लगा दिए, ये आप देख सकते हो। एक बार हम इसका रीडिंग देख लेते हैं, जो हमारा रीडिंग ये कम हो गया था, एक बार हम रीडिंग देख लेते हैं। मल्टीमीटर को डायोड मोड में सेट करना है और डायोड मोड में सेट करने के बाद जो कुल टेस्टिंग के दौरान हमारा रीडिंग, ये जो कैपेसिटर था उस कैपेसिटर पे बहुत ही माइनर कम रीडिंग हो गया था, एक बार वो देख लेते हैं। ये देखिए
ये कैपेसिटर था। देखिए यहाँ 1000 करीबन रीडिंग आ गया, पहले ये रीडिंग बिल्कुल नहीं था। एक बार हमारा जो LCD कनेक्टर है उस पे जो VSN लाइन थी उसकी रीडिंग भी एक बार डिस्प्ले कनेक्टर पे भी हम चेक कर लेते हैं। हमारा VSN जो लाइन था वो भी वहाँ भी 1000 करीबन रीडिंग आ गया। देखिए ये आप देख सकते हो इसका VSN लाइन है वही रीडिंग। इधर भी देख लेते हैं ये कैपेसिटर पे, ये देखिए ये कैपेसिटर पे मैंने चेक किया, देखिए ये अभी 1000 के करीबन ये रीडिंग आ गया। तो मतलब रीडिंग तो अभी सही हो गया। एक बार हम डिस्प्ले लगा के चेक कर लेते हैं कि ये वोल्टेज बन रही है कि नहीं बन रही है। तो उसके लिए देखिए ये डिस्प्ले लगा दिया है, उसके बाद हम सप्लाई दे देते हैं। ये पॉजिटिव पे पॉजिटिव दे दिया और नेगेटिव को हम कहीं ग्राउंड दे देते हैं। ये ग्राउंड कर दिया, उसके बाद ट्वीजर से हम मोबाइल को ऑन करते हैं। ये ऑन किया, ये देखिए डिस्प्ले ग्राफिक इश्यू था हमारा, ये अभी सोल्व हो गया है, डिस्प्ले पे ग्राफिक आ गया है, ये आप देख सकते हो। एक बार मैं आपको ये वोल्टेज मेजरमेंट भी करके आपको बता देता हूँ, वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये DC वोल्टेज की रेंज में मल्टीमीटर को सेट किया है, ये हमारा वोल्टेज चेक कर रहा हूँ मैं बूस्ट वोल्टेज जो कि 18 वोल्टेज आ रहा है, ये नेगेटिव 5 वोल्टेज आ रहा है देखिए, और ये पॉजिटिव 5 वोल्टेज, ये 5 वोल्टेज देखिए। तो इस तरह से जो हमारा ग्राफिक इश्यू था ये सॉल्व हो गया है। दोस्तों इसमें मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ बताने की कोशिश की, फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से निकली और किस तरह से थी। तो चलिए हम एक बार वो देख लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम हमारा था इस LCD जो कनेक्टर है, इस LCD कनेक्टर में जो नेगेटिव 5 वोल्टेज की लाइन है इसकी B4 और A4 नंबर की पिन से 1, 2, 3, 4 फिल्टर कैपेसिटर से होते हुए इस IC के अंदर जो IC का पिन 23 नंबर है वहाँ जा रहा था, ये कनेक्टर की 23 नंबर की पिन पे आ रहा था। तो जब हमने यहाँ कुल टेस्टिंग किया ग्राउंड के साथ रीडिंग शॉर्ट आ रही थी, तो हमने यहाँ रोजिन लगा के इतने कंपोनेंट पे देखा तो वोल्टेज दिया, तब ये IC हीट हो गई। जब हमने IC चेंज की तो हमारा रीडिंग सही आ गया, बाद में हमने ये वोल्टेज को चेक किया और सही आ गया। तो ये वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक ग्राफिक इश्यू आता है तो इसको सॉल्व किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, और इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।